नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता में रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि रैली की भीड़ इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का शासन खत्म होने जा रहा है। इससे पहले इस रैली को रोकने की कोशिश भी की गई थी और अब पश्चिम बंगाल के सारे स्थानीय चैनलों को डाउन कर दिया गया है ताकि लोग इस रैली का प्रसारण ना देख सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल की विरोधी कैसे हो सकती है, जबकि हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल विरोधी नहीं है, ममता विरोधी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में जनमत संग्रह 2020 में रुचि लेने वाला कोई नहीं है, जो ब्रिटेन स्थित एक संगठन का अभियान है। सिंह ने लंदन में रविवार को सिख फॉर जस्टिस की प्रस्तावित रैली को आईएसआई समर्थित कुछ मुट्ठी भर सिखों का एक प्रयास बताया, जो विभाजनकारी आवाज उठाकर पंजाब और भारत में दिक्कत पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों और उनकी रैली को लेकर चिंता नहीं है। अमरिंदर ने कहा कि वो किसी को भी पंजाब में दिक्कत पैदा नहीं करने देंगे। आगे कहा कि अगर ये तत्व ऐसा सोचते हैं कि वो यहाँ आकर मेरे देश मेरे राज्य की शांति भंग कर सकते हैं तो वो गलत हैं। राज्य की पुलिस में आतंकवाद को जिंदा करने के किसी भी प्रयास से पूरी तरह से निपटने को तैयार रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर कहा है कि अब और घुसपैठियों को भारत में जगह दी गई तो देश में 10 और कश्मीर तैयार हो जाएंगे। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने आगे कहा कि 3 से 4 करोड़ लोग भारत में अवैध तरीके से रहते हैं, इसमें रोहिंग्या ऊपर से और आगे हैं, जिनको गलत तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि म्यांमार के रखाइन इलाके में सरकार और उग्रवादी के बीच झड़प के बाद करीब 9 लाख रोहिंग्या मुसलमानों ने पलायन किया है। बांग्लादेश ने इन्हें शरण दी है। भारत में पहले से करीब 40,000 रोहिंग्या है जिन्हें भारत सरकार वापस भेजने के लिए प्रयास कर रही है। कई संगठन वापस भेजे जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ये भारत के लिए खतरा हो सकता है। योग जन जन तक पहुंचे, क्योंकि योग वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का सबसे बड़ा माध्यम है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े खुदीराम बोस को आज के ही दिन अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर की जेल में पहला और सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी शहीद होने का गौरव हासिल किया था। 1905 में खुदीराम बोस ने रिवॉल्यूशन पार्टी ज्वाइन कर ली थी और जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांटने लगे। वहीं 1906 में पहली बार अंग्रेजों ने उन्हें पर्चे बांटते पकड़ लिया था, जिसके बाद वो अंग्रेजों की पकड़ से भाग निकले। वहीं मुजफ्फरपुर न्यायाधीश किज फोर्ड को मारने की योजना में 11 अगस्त 1907 को फांसी दी गई। गाजियाबाद में एक के बाद एक गिरती इमारतों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर सवाल खड़े कर दिए। योगी सरकार की फटकार के बाद प्राधिकरण ने अब तक 500 निर्माणों पर कार्यवाही की, जिस कारण बिल्डर्स इसे प्रशासन की तानाशाही बता रहे हैं। बिल्डर्स का कहना है कि जो निर्माणाधीन इमारत गिराई जा रही है उनका सरकार शुल्क भी बनता है। आगे कहा कि बिल्डिंग गिराना समाधान नहीं, इसके लिए प्रशासन को दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। इन्होंने कोई भी उसके कोई प्रक्रिया नहीं करी है और कोई अवैध, पूरा भारत अवैध बना हुआ है। अगर ऐसी बात करी जाएगी, आज पूरे भारत के अंदर जितनी इमारतें बनी हुई हैं 60% इमारतें इस तरीके से बनाई गई हैं, ऐसी कॉलोनी बनाई गई हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? आज केवल गाजियाबाद को टारगेट कर दिया गया। एक अधिकारी अपनी पूरा तानाशाह के हिसाब से काम करने लगे, वो कार्रवाई ना करके आप गुणवत्ता की जांच करिए, कोई पॉलिसी लेके आइए, शासन को पॉलिसी दे, कोई जियो बनाकर भेजे, हम लोग बैठ के हम भी समर्थन सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन एक तरफा इमारतें तोड़ने शुरू कर दो, सील कर दो, इसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। यूपी के अकबरपुर स्टेशन मास्टरों ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर भूख हड़ताल की। स्टेशन मास्टर 24 घंटों की भूख हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान अपने कार्य को सुचारू रूप से करते भी रहेंगे। स्टेशन मास्टरों की मांग है कि उनका पे ग्रेड बढ़ाकर 5,400 रुपये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। वहीं स्टेशन मास्टरों का 15% पद और बढ़ाया जाए।
आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश और दो सिपाही घायल हो गए। मामला मुगल रोड इलाके का है, जहां पुलिस को देख बाइक सवार दो बदमाश भागने लगे। बदमाश और पुलिस के आमने सामने हुई फायरिंग में दो सिपाही घायल हो गए। वहीं इस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश चांद उर्फ पिल्लू भी घायल हो गया और दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। चांद पर लूट और हत्या जैसे कई मुकदमे अलग अलग थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। मद्रास कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को फटकार लगाई। कोर्ट ने क्लास एक और दो के बच्चों को होमवर्क न देने का नियम बनाया था, लेकिन सीबीआई बोर्ड ने उसे अभी तक लागू नहीं किया। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन ने कहा कि सीबीआई ने इस निर्देश की गंभीरता को नहीं समझा। सीबीआई के अधिकारी खुद को सीबीआई का अधिकारी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 17 अगस्त तक इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है तो सीबीआई के सचिव को अदालत में पेश होना पड़ेगा। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में व्यापारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। कॉस्मेटिक का काम करने वाले दीपक की गला रेंदकर हत्या की गई। हत्या के समय दीपक अपने गंगानगर वाले घर में थे। हत्या का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन दुखद घटना को आज एक साल पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि आज से एक साल पहले ही 11 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते 36 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं ऑक्सीजन कांड के आरोपी उदय प्रताप शर्मा, संजय कुमार त्रिपाठी, सुधीर कुमार पांडे, गजानंद जायसवाल गोरखपुर मंडलीय अभी भी जेल में बंद है। 2018 के मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में बतौर चीफ गेस्ट पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने 71वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। बता दें कि मेलबर्न में फिल्म फेस्टिवल के समारोह में रानी मुखर्जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। इस कार्यक्रम के मुताबिक जो भी चीफ गेस्ट होता है उसे तिरंगा फहराने का अवसर मिलता है। रानी ने समारोह में शामिल होने से पहले कहा था कि भारत का झंडा फहराने मेरे लिए सम्मान की बात है, किसी भी भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात होती है। अगर ये मौका किसी को देश के बाहर मिल रहा है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। अमेरिका की राजधानी के सीटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन चुराने का मामला सामने आया है। घटना वॉशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां अलास्का एयरलाइंस के कर्मचारी ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि प्लेन में कोई यात्री नहीं थे, साथ ही सेना के दो फाइटर्स जेट में उसका पीछा भी किया, लेकिन प्लेन एयरपोर्ट से करीब 50 किलोमीटर दूर कंट्रोल आइलैंड पर ही क्रैश हो गया था। घटना के बाद हवाई अड्डे पर उड़ानें रोक दी गई, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। वहीं एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कहना है कि ये कोई आतंकी घटना नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।